हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फील लाइव विथ रेनू। तो अभी गर्मियों का सीज़न शुरू हो चुका है फ्रेंड्स, और ऐसे में हल्का ठंडा खाने का मन करता है। तो आज मैं आप सभी के लिए 6 तरह का इंस्टेंट रायता की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले मैंने किस चीज़ का रायता बनाया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं खीरे का रायता बनाऊंगी। ये मेरा फेवरेट रायता है, तो इसके लिए लिया है मैंने एक खीरा, एक धनिया पत्ता, थोड़ा सा मिंट लीफ और एक हरा मिर्च, बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं खीरे का जो पीछे का साइड होता है उसे कट करके निकाल दूँगी, क्योंकि यहाँ पर तीखा होता है, और उसके बाद इसे छील कर ग्रेट कर लूँगी। रायता आप जब कभी बनाएं फ्रेंड्स, तो खाने से जस्ट 5 मिनट पहले बनाएं, और या फिर अगर आपको बना कर रखना है तो बना लें और फ्रिज में तुरंत रख दें बिना नमक डाले हुए, और जब खाना हो तो उसे निकाल लें और उसमें नमक ऐड करके खाएं। तो इससे रायता परफेक्ट रहेगा, दही जमा हुआ रहेगा। अगर रायता बनाकर आप बाहर रख देंगे तो उसमें पानी छोड़ देगा और दही खट्टा भी हो जाएगा, क्योंकि अभी गर्मी चल रहा है, गर्मी में ये दही तुरंत खट्टा हो जाता है। तो इसलिए रायता बनाएं और फ्रिज में रख दें। तो ये देखिए खीरा है जो ग्रेट हो चुका है, ग्रेट होने की वजह से इसमें बहुत सारा पानी रिलीज हुआ है, तो उसे मैं इस तरह से छन्नी में डाल कर निकाल लूँगी। इसके जूस को फेंके नहीं फ्रेंड्स, ये बहुत काम की चीज़ है। इसमें आप 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी या बेसन डालकर फेस पैक बना के अपने फेस पे लगाएं, या फिर इसमें कॉटन डिप करके फ्रिज में रख दें और रात में सोने से पहले अपने आइज पे लगाएं, तो बहुत ठंडक मिलेगी। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, एक हरी मिर्च को कट कर रही हूँ। मिर्च को एकदम बारीक कट करना है, इससे टेस्ट अच्छा लगता है, खाने में अच्छा होता है। और साथ में कट कर रही हूँ धनिया पत्ता और 4-5 मिंट के पत्ते। खीरे का रायता के लिए दही भी फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट है, दही का गाढ़ा होना। अगर आपका दही पतला है तो आप इसे कॉटन के कपड़े में डालकर हैंग कर दें और उसका सारा पानी निकल जाएगा, तब रायता बनाएं, बहुत क्रीमी रायता बनेगा। तो मेरा दही तो गाढ़ा है, तो मैंने इसे डायरेक्ट डाला है, मैंने इसमें 3-4 चम्मच ऐड किया है, बस अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये देखिए क्रीमी खीरे का रायता रेडी हो गया है, और डाल रही हूँ साथ में टेस्ट के अनुसार नमक भी ध्यान से डालें, और थोड़ा सा स्प्रिंग किया मैंने काला नमक। बस हमारा खीरे का रायता रेडी हो गया है, इसे ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए देखते हैं कि मैंने दूसरा रायता कौन से चीज़ का बनाया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरा रायता मैं गाजर का बनाऊंगी। अभी गर्मियों में ये ऑरेंज कलर का गाजर आसानी से मिलता है, इसे मैंने वॉश कर लिया है, अब इसे छीलकर ग्रेट कर लूँगी। किसी भी रायता के लिए फ्रेंड्स दही का फ्रेश और गाढ़ा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका दही खट्टा रहेगा तो रायता बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए कोशिश करें कि दही है जो ताज़ी होनी चाहिए। तो हर दिन मैं 1 गिलास दूध का रात में दही जमा देती हूँ, और सुबह में हम लोग उसका रायता बनाकर खाते हैं। अभी गर्मियों में दही जमाना कोई परेशानी की बात नहीं होती है, बट ठंड में थोड़ा सा डर लगता है कि दही जमेगा या नहीं जमेगा। आप अभी किसी भी तरह से जमा देंगे तो अच्छे से दही जम जाता है। तो ये देखिए गाजर ग्रेट हो चुका है। तो अब मैं एक बोल लूँगी और उसमें दही ऐड करूँगी। गाजर का रायता भी बहुत टेस्टी होता है फ्रेंड्स। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून शुगर। गाजर के रायते में शुगर है जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसका टेस्ट को बढ़ा देता है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी ग्रेटेड गाजर। और साथ में डाल रही हूँ कटा हुआ धनिया पत्ता, मिंट लीफ और यह एक हरी मिर्च कटी हुई, और थोड़ा सा ग्रेटेड जिंजर है फ्रेंड्स। गाजर के रायते में जिंजर का फ्लेवर भी अच्छा लगता है, और साथ में ऐड किया है टेस्ट के अनुसार नमक, और बस अच्छे से मिक्स कर दूंगी। फ्रेंड्स मिंट लीफ मेरे छत पे बहुत ढेर सारा लगा हुआ है, अगर आप मार्केट से लाते हो तो उसके जो नीचे का डंठल होता है उसको आप पानी में डिप करके रख दें, तो आपको 4-5 दिनों तक उसी तरह से फ्रेश रहेगा। और साथ में ऐड कर रही हूँ ये थोड़ा सा अनार का दाना, अगर आपके पास हो तो डालें, नहीं तो कोई बात नहीं, स्किप करें। गाजर और अनार का कॉम्बिनेशन भी अच्छा होता है फ्रेंड्स। तो ये देखिए हमारा रायता रेडी हो गया है। तो देखते हैं कि तीसरा रायता कौन सा है फ्रेंड्स।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, तीसरे रायता के लिए दही रेडी कर लेते हैं। इसमें दही का गाढ़ा होना नहीं ज़रूरी है, अगर आपका दही गाढ़ा है तो आप उसमें पानी डाल के थोड़ा पतला कर लें। ये रायता भी मेरा सेकंड फेवरेट रायता है फ्रेंड्स। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च और जीरा का रोस्टेड पाउडर है वो डाल रही हूँ, थोड़ा सा काला नमक डाल रही हूँ, साथ में नमक जो रेगुलर सॉल्ट होता है वो, और अब इसमें ऐड कर रही हूँ बूंदी। हाँ फ्रेंड्स, जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बूंदी का रायता बना रही हूँ। ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा, ये पैकेट में आता है या खुला भी मिलता है। ये देखिए हमारा तीसरा रायता भी रेडी है बूंदी का, बस थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चौथा रायता है जो मिक्स भेज का रायता बनाऊंगी। तो इसके लिए लिया मैंने एक स्मॉल साइज का खीरा, एक टमाटर, एक प्याज और थोड़ा सा पत्ता गोभी। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, अगर आपके पास खीरा टमाटर है तो आप खीरा टमाटर का बनाएं, या टमाटर प्याज का बनाएं, या फिर पत्ता गोभी खीरा का बनाएं। तो मेरे पास अभी चारों चीज़ था इसलिए मैंने चारों चीज़ ले लिया है। तो इसे हमें एकदम बारीक चॉप करना है। ये रायता भी बहुत टेस्टी बनता है, गर्मियों में तो दही हम लोग यूज करते ही हैं, बट दही के साथ अगर कोई वेजिटेबल फ्रूट्स हो तो उसका और ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है और फ़ायदा भी ज़्यादा है। तो इसलिए रायता ज़रूर यूज करें अपने डेली के खाने में। तो सारी चीज़ों को कट करके एक बोल में डालती जाऊंगी। ये सारा रायता फ्रेंड्स आप बिरयानी, पुलाव, चपाती किसी के साथ भी खाइएगा तो अच्छा लगेगा। और ये मिक्स वेज है रायता है फ्रेंड्स, इसके साथ तो किसी सब्जी की ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। तो इसके साथ आप तीन की जगह चार रोटी खा लेंगे, तो इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत हेल्दी रायता है। तो बस इसमें भी मैं डाल दूँगी कटा हुआ धनिया पत्ता, हरी मिर्च, और अब इसमें ऐड करूँगी दही। इसमें भी दही का थोड़ा गाढ़ा होना ज़रूरी है। थोड़ा सा स्प्रिंग करूंगी काला नमक, लाल मिर्च और जीरा का पाउडर। ये है लाल मिर्च और जीरा को मैंने रोस्ट करके पाउडर बनाकर एक डब्बे में भर के रख दिया है, इसे डेली रायता बनाने में आसानी होगा। दही थोड़ा कम पड़ रहा था फ्रेंड्स, तो एक चम्मच और मैंने दही ऐड कर दिया है। तो देखिए हमारा चौथा रायता भी रेडी है। तो चलिए देखते हैं कि पाँचवा रायता कौन सा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पांचवा रायता है जो बनाना का है, राइप बनाना, पका हुआ केला का। तो सबसे पहले एक बोल लूँगी और उसमें दही ऐड करूँगी, उसके बाद बनाना को पीसेस में कट करके डालूँगी। इसमें भी एक चम्मच शुगर ऐड करूँगी, इससे रायता का टेस्ट और बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस गर्मी में हर दिन एक अलग अलग रायता बनाकर खाएं, अच्छा लगेगा। आप एक ही रायता खा के बोर नहीं हो जाएंगे, अलग अलग खाएंगे तो अच्छा लगेगा। मसाला पहले से रेडी करके रख लें तो परेशानी नहीं होगी। ये देखिए पीसेस कट हो गए हैं, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी और साथ में डाल रही हूँ फ्रेंड्स, ये है रोस्टेड मस्टर्ड सीड, उसका मैंने पाउडर बना लिया है वो डाला है 1 टीस्पून, और साथ में नमक टेस्ट के अनुसार, और ये हल्का सा स्प्रिंग कर रही हूँ लाल मिर्च जीरा का पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, बस अच्छे से मिक्स कर दूंगी। फ्रेंड्स, रायता में नमक ध्यान से डालें, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो रायता नहीं अच्छा लगेगा। अगर ज़्यादा नमक डाल दिया है आपने तो उसमें आप थोड़ा सा दही ऐड कर दें, या अगर कम है तो थोड़ा सा ऊपर से डाल के खा लें। तो देखिए हमारा पाँचवा रायता भी रेडी हो गया है। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स कि लास्ट और छठा जो रायता है वो किस चीज़ का है। तो सबसे पहले मैंने एक बोल लिया है और उसमें दही ऐड कर रही हूँ, साथ में डाल रही हूँ काला नमक, यह है लाल मिर्च जीरा का रोस्टेड पाउडर, ये सब थोड़ा थोड़ा ही डालें ध्यान से, नमक टेस्ट के अनुसार, इन सब को अच्छे से मिक्स कर दूंगी।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये लास्ट रायता है बॉइल्ड पोटैटो का, उबला हुआ आलू का। ये रायता भी आप कचौड़ी के साथ खा सकते हैं, सत्तू का कचौड़ी या सत्तू की लिट्टी या पूरी के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसे मैं हाथों से ही मैश कर दिया है और अब ऐड कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये रायता का वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी। और मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो मैंने एक हरी मिर्च कट करके डाल दिया है और यह है थोड़ा सा कटा हुआ फ्रेश धनिया। आलू का रायता भी थोड़ा सा पतला ही रखें फ्रेंड्स, क्योंकि आलू है जो वो अब्जॉर्ब कर लेगा दही को और सूख जाएगा, तो सूखा हुआ रायता नहीं अच्छा लगता है। ये देखिए हमारा लास्ट छठा रायता भी रेडी हो गया है। तो अपने खाने में ज़रूर रायता शामिल करें। तो फिर मिलूंगी फ्रेंड्स एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।